दोस्तों, हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड के लोग चलाते हैं। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बॉलीवुड पूरी तरह से दाऊद इब्राहिम के अंडर कंट्रोल आ गई थी। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम वही इंसान है, वही आतंकवादी है जिसने 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे मुंबई में और जिसी के कारण सैकड़ों लोगों की जाने गई थी। ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान जाके शरण ली और इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। ये जानते हुए भी कि दाऊद इब्राहिम ने भारत में आतंकवाद कराया, इतने लोगों की जाने ली, उसके बाद भी पाकिस्तान आज तक उसे छुपाए रखा है। पाकिस्तान दुनिया में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जाना जाता है। पाकिस्तान केवल भारत में दंगे ही नहीं करवाता, बल्कि आज वो भारत की सिनेमा को भी कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो पाकिस्तानी है लेकिन पैदा हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में और इसके बड़े अच्छे रिलेशन्स हैं बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ। और ये हस्तियाँ वही हैं जो आज पूरे बॉलीवुड पर कब्जा कर बैठी हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने मेरी इस बॉलीवुड पर पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और जिन लोगों ने भी अब तक मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो उनसे मेरी विनती है कि कृपया प्लीज़ ट्विटर पर जाके मुझे फॉलो करें ताकि हम भारत के सभी लोगों को सही इतिहास बता सकें और सच्चाई से रूबरू करा सकें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछले महीने दीपिका पादुकोण की एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका टाइटल था छपा। फिल्म रिलीज से 2 से 3 दिन पहले जेएनयू में छात्रों पर हमला होता है और ये हमला जेएनयू में मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग्स के मेंबर्स ही करवाते हैं और इस हमले में कुछ छात्र घायल भी होते हैं। अब अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए दीपिका पादुकोण इन छात्रों से मिलने जाती हैं। अब जैसे ही वो उन लोगों से मिलती हैं, वहाँ पर मौजूद छात्रों से मिलती हैं, उसके ठीक तुरंत बाद उनकी एक फ़ोटो ट्विटर पर वायरल होने लगती है जिसमें वो टुकड़े टुकड़े गैंग्स के मेंबर्स के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि दीपिका को ऐसे किस कीड़े ने काटा था कि वो भागी भागी इन टुकड़े टुकड़े गैंग्स के मेंबरों को सपोर्ट देने जाती हैं जिसमें देशद्रोही कन्हैया कुमार भी शामिल था। जी हाँ, ये वही कहीं कन्हैया कुमार है जिस पर आज देशद्रोह का केस चल रहा है। और लिटरली दीपिका उस इंसान को सपोर्ट देने गई थी जो देश का गद्दार है। अब दीपिका की इस हरकत के बाद पाकिस्तान का एक स्पोक पर्सन जिसका नाम है मेजर जनरल गफूर, वो ट्वीट कर दीपिका को कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसकी इस शर्मनाक हरकत पर। दीपिका की इस शर्मनाक हरकत पर शक तब बढ़ता है जब रणवीर सिंह की एक फोटो इस पाकिस्तानी ब्रिटिश अरबपति के साथ देखी जाती है। दरअसल ये इंसान अनिल मुसर्रत है। ये एक मैनचेस्टर बेस्ड बिजनेसमैन है जिसका प्रॉपर्टी का काम है। ये इंसान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बड़ा अच्छा दोस्त है जिसको वो एक पाकिस्तान की तारीख इंसान नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसमें असिस्ट भी कर रहा है। रॉ के एक एक्स ऑफिसर है जिनका नाम है एनके सूद, वो बताते हैं कि जेएनयू जाने से पहले दीपिका पादुकोण के पास 2 कॉल आई थी। एक कॉल कराची से आई थी और एक कॉल दुबई से आई थी। अब या तो जो भी कॉल दीपिका पादुकोण के पास आई थी वो या तो इस अनिल मुसर्रत ने खुद करी थी या फिर उसने अपने किसी खास आदमी से दीपिका पादुकोण के पास कॉल करवाई थी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि जब एनके सूद ने अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करा तो उन्हें पता चला कि ये जो अनिल मुसर्रत है इसके काफ़ी अच्छे लिंक हैं पाकिस्तान की आईएसआई के साथ और बॉलीवुड के महान बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको बताता हूँ, 2017 में अनिल मुसर्रत की बेटी की शादी थी और उसकी शादी में उसने सभी बड़े बड़े बॉलीवुड की हस्तियों को बुलाया था जिसमें शामिल थे करण जौहर, ऋतिक रोशन, ऐसे बड़े बड़े कलाकार वहां पर आए थे जिससे साफ साफ देखा जा सकता है कि बॉलीवुड की जितने भी महान और बड़ी हस्तियां हैं उसके बड़े अच्छे लिंक हैं इस इंसान के साथ और उसके खास दोस्त भी हैं। वहीं सोनम कपूर की शादियों की तस्वीरों में भी आप इस इंसान को देख सकते हो। ये वही सोनम कपूर हैं जो NTCA का समर्थन दे रही थी। अब जेएनयू कांड के बाद दीपिका पादुकोण की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें वो कहती दिखाई पड़ती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि वो राहुल गांधी को एक सर्वश्रेष्ठ PM के रूप में देखना चाहती हैं। आपने पॉलिटिशियंस की बात की, तमाम नौजवान राजनीति के क्षेत्र में आज काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। किसी राजनेता के बारे में बताएंगे जिसके आप बोलने के काम से
आप ज्यादा प्रभावित हूँ? मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ टीवी पे, राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब यहाँ से दो चीज़ें साफ साफ निकल कर आती हैं, या तो दीपिका पादुकोण बड़ी भोली हैं और या फिर वो पैसों के लिए कुछ भी बोल सकती हैं और कर सकती हैं। एन के सूट जी तो यहाँ तक कह जाते हैं कि जितने भी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड के जो NTCAA एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये वही बॉलीवुड के सितारे हैं जिनकी पिक्चरें कभी चलती नहीं हैं और फिर भी ये पिक्चरें बनाते रहते हैं। अब सोचने वाली बात है कि जब इनकी पिक्चरें चलती नहीं हैं तो इनको फंडिंग आ कहाँ से रही है? तो जिसके बारे में एन के सूट जी और आगे बताते हैं कि अनिल मुसर्रत जो ये पाकिस्तानी बेस्ड एक मिलियनर है, वो ही इनकी फिल्मों को फंड दे रहा है। अब फंड देना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन जब फंड ऐसे सेलिब्रिटीज़ पर जा रहा हो, ऐसे इनकी फिल्मों पर लग रहा हो जो NTCAA की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तब बात थोड़ी सोचने वाली आती है, तब शक बढ़ता है। लेकिन दोस्तों एन के सूट जी ने जो भी बातें अपनी वीडियो में बताई हैं उसका कोई ओपन रिकॉर्ड नहीं है। अब एक और बात बड़ी चौंका देने वाली जो एन के सूट जी ने बताई है वो ये है कि जब जनवरी में 100 से 150 लोगों ने लंदन के इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करी और वहाँ पर टमाटर भी फेंके, तो वो सारे पाकिस्तानी थे। अब जांच करने पर पता चला कि इन लोगों को जो फंड मिला था और इनकी जो फंडिंग हुई थी वो इस पाकिस्तानी, या जी हाँ, इस अनिल मुसर्रत के द्वारा ही करी गई थी। लेकिन वहाँ पर किसी ने भी इनको रोका नहीं, इन लोगों को रोका नहीं, क्योंकि आज लंदन का जो मेयर है ना वो पाकिस्तानी है। इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है वो सारी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है एन के सूट जी के यूट्यूब चैनल से। उनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाइए और जितनी भी विषयों पर वो बात करते हैं उनको गौर से उनकी वीडियो को देखिए, क्योंकि उनके सारे विषय ऐसे रहते हैं जिनकी जानकारी आपको आसानी से किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं मिल सकती। दोस्तों हमें भी पता है कि बॉलीवुड कैसे अपनी एंटी हिंदू सेंटीमेंट्स को फैला रहा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से एक बड़ा रीसेंट एग्जाम्पल है शिकारा मूवी, जिसमें विधु विनोद चोपड़ा ने जितने भी कश्मीरी हिंदुओं थे उनका बड़ा अच्छी तरह मजाक बनाया। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख लेना। वहीं अभी रिसेंट में फराह खान ने एक इंटरव्यू में रिवील करा कि जब उन्होंने मेहूना बनाई थी तो उन्होंने सोच लिया था कि वो उस मूवी में विलन को कभी भी मुसलमान नहीं दिखाएंगे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको आसानी से यह देखने को मिल जाएगा कि कैसे बॉलीवुड अपने हिंदू फोबिक नेचर को पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में फैला रहा है। अब इस सभी के बाद आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको बॉलीवुड की फिल्में देखनी है या फिर नहीं। बॉलीवुड में कई ऐसे डायरेक्टर्स और एक्टर्स भी हैं जो भारत के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में पिक्चरें बनाते हैं, उनकी पिक्चरें मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे कीड़े बॉलीवुड के अंदर भरे हुए हैं जो पूरी तरह चाहते हैं कि हम हिंदुओं की आइडेंटिटी को भ्रष्ट कर दें। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब भी कोई मूवी रिलीज़ होने को आया या फिर उसकी बात है, तो पहले आप अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल कर लें कि उस पर दिखाई क्या जाने वाला है, कौन इसको बना रहा है और कौन इसमें एक्ट करने वाला है। अभी रिसेंट की बात है, एक मूवी तब रिलीज़ होने वाली है और उसमें करण जौहर हैं, उन्होंने हुसैन हैदरी नाम का एक लिरिसिस्ट है उसको तख्त के डायलॉग्स लिखने का जिम्मेवारी संभालने को दी है। जी हाँ, ये हुसैन हैदरी वही इंसान है जो तख्त में डायलॉग वगैरह को या फिर उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाला है। अगर आपको नहीं पता है कि ये हुसैन हैदरी इंसान है कौन, ये इंसान वही है जिसने अपने ट्विटर पर हिंदुओं के अगेंस्ट बहुत सारी ट्वीट करी हैं। ये हिंदू विरोधी है, ये हिंदुस्तान विरोधी है और इस जैसे को करण जौहर अपनी पिक्चर में लिरिक्स लिखने के लिए कहा है। तो
तो अब आपको देखना है कि आपको ये मूवी देखनी है, इस तरह की मूवी देखनी है, या फिर इस तरह की मूवी को बॉयकॉट करना है, इन जैसे लोगों की मूवी को देखना ही बंद कर दें, ताकि जब ये इस तरह की मूवी बनाए तो 100 बार सोचें कि लोग नहीं देखने वाले हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जो भी इस तरह की मूवी आए आप उसको पूरी तरह बॉयकॉट करें, ताकि इनको पैसे ना मिलें और फिर आपके पैसों से ही फिर ये आपको गाली देते हैं। इसलिए आप लोग इनकी मूवी को देखना बंद कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरी विनती है, आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो को देखने के लिए। और जिन्होंने भी अब तक मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करा है वो प्लीज़ ट्विटर पर मुझे फॉलो कीजिए और मेरा समर्थन और मुझे सपोर्ट करिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।